सेंट्रम पीएमएस के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिल सरीन ने मनी कंट्रोल के साथ बाजार की आगे की दशा और दिशा पर बात करते हुए कहा कि निवेश के लिए हमें हेडलाइन वैल्यूएशन पर ध्यान ना देकर इस समय मिड और स्मॉल कैप स्पेस के चुनिंदा शेयरों पर नजर डालनी चाहिए। इस समय तमाम सेक्टर और सेगमेंट ग्रोथ के अच्छे दौर में है, ऐसे में इनके वैल्यूएशन मिड टर्म में इनके अर्निंग ग्रोथ की तुलना में अच्छे नजर आ रहे हैं। अनिल सरीन का मानना है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी के शिखर पर पहुंचने, मांग में मजबूती आने की संभावना होने और मजबूत बैलेंस शीट के चलते अगले 1 से 2 साल में हमें निजी क्षेत्र के निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अनिल सरीन का ये भी मानना है कि भारतीय बाजार दूसरे उभरते बाजारों की तुलना में ज्यादा बेहतर रिटर्न देने की संभावना रखता है, ऐसे में भारतीय बाजारों का वैल्यूएशन हमें बहुत ज्यादा जोखिमपूर्ण नहीं लगता। वैल्यूएशन की बात करें तो निफ्टी इस समय 20.6 गुने के फॉरवर्ड पीई पर ट्रेड कर रहा है। इस बातचीत में उन्होंने आगे कहा कि हमें निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ता नजर आएगा। स्टील सहित दूसरे मेटल, पावर यूटिलिटी, सीमेंट, टेलीकॉम और ऑयल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने अपनी तमाम विस्तार योजनाओं का ऐलान किया है जो अगले 2 सालों में पूरी होनी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की पीएलआई आधारित निवेश में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अनिल सरीन ने आगे कहा कि लॉजिस्टिक्स और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, ऑटो सेक्टर, मिड साइज के बैंक, अफोर्डेबल हाउसिंग, फाइनेंसिंग सेक्टर की कंपनियां इस समय ग्रोथ के चरण में है, ऐसे में उनका वैल्यूएशन अभी महंगा नहीं है। नए जमाने की टेक्नोलॉजी आधारित कंपनियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के लिए अभी चुनौतियां नजर आ रही हैं। इनको ऊंची लागत की समस्या सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है। इन कंपनियों को मुनाफे में आने में अभी कुछ और समय लग सकता है, ऐसे में इनका करंट वैल्यूएशन फेवरेबल नजर नहीं आ रहा है। इनमें निवेश के लिए हम और करेक्शन का इंतजार करेंगे। उन्होंने भारतीय बाजार पर बात करते हुए ये भी कहा कि वर्तमान ग्लोबल अनिश्चितता के माहौल में भारत में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता है, जिसके चलते भारतीय बाजार दूसरे उभरते बाजारों की तुलना में ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। वॉलेटिलिटी के नजरिए से भी भारतीय बाजार चीन और ब्राजील जैसे दूसरे उभरते बाजारों की तुलना में ज्यादा स्थिर है, ऐसे में भारत तुलनात्मक रूप से एक बेहतर निवेश विकल्प बनकर उभरता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।